हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है कि अगर आपके पास log 81 टू द बेस 12 a है, तो आपको log 24 टू द बेस a 3 बताना है इन टर्म्स ऑफ a। तो हम यहां पे देखते हैं कि ये हमें दिया क्या हुआ है, log 81 टू द बेस 12 is equal to a गिवन है और हमें उसकी वैल्यू बतानी है। तो हम इसको करने का बड़ा सिंपल तरीका करेंगे, इसको हम सिंपलीफाई कर लेंगे और इसको बेस 3 में ले जाएंगे। तो इसको बेस 3 में ले जाएंगे, तो दिमाग में इसलिए आया क्योंकि यहां पे भी बेस 3 दी है। तो इसको हम लिखेंगे log 81 टू द बेस 3 अपॉन log 12 टू द बेस 3 इज इक्वल टू a। जब आप आईआईटी वगैरह की तैयारी करते हैं तो ये स्टेप्स फास्ट होने चाहिए। 81 को लिख सकते हैं 3 रेस्ट टू द पावर 4, तो ये बन जाएगा 4 log 3 बेस 3 जिसकी वैल्यू 4 ही आ जाएगी, और ये बनेगा log 2 raised to the power 2 base 3 plus log 3 to the base 3। आप सोचिएगा 4 into 3 12, हमने अलग अलग कर लिया, तो ये आपके पास बनेगा a is equal to 4 upon 2 log 2 base 3 plus 1। यहां से आप log 2 base 3 की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगी twice of log 2 base 3 plus 1 is equal to 4 by a, cross multiply कर लिया। यहां से मेरे पास log 2 base 3 की वैल्यू आ गई 4 minus a upon 2a। आप इसे क्रॉस चेक कर लीजिएगा, इस 1 को इधर लेके गए, 4 minus a ये 2 बार में डिवाइड कर दिया। इस वैल्यू को मैं यूज करूंगा वहां निकालने के लिए। मेरे पास log 24 to the base 3 है, 24 टू द बेस 3 को मैं लिख सकता हूं log 2 का क्यूब into 3 बेस 3, ये बनेगा 3 log 2 बेस 3 plus 1। थोड़ा सोचिए ऐसा क्यों हुआ, इनको अलग-अलग किया, log 3 बेस 3 is 1, log 2 raised to the power 3 बेस 3 3 आगे आ गया और log 2 बेस 3 आपके पास रेडी है। इसकी वैल्यू कितनी है, 3 टाइम्स 4 minus a by 2a plus 1, ये बनेगा 12 minus a upon 2a। ये आपके पास वैल्यू आएगी log 24 to the base 3 in terms of a। तो अब मैं दोबारा आपको बताऊं, इसको हमने सिंपलीफाई किया और इसको बेस 3 में लेके चले गए और बेस 3 से हमने बेसिकली इसकी वैल्यू निकाल दी, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये वाला टर्म उसमें बनेगा। फिर हमने उसको ब्रेक कर लिया, 24 को लिख लिया 8 into 3, 8 को लिख लिया 3 into log to the base 3, इसकी वैल्यू हमें मालूम है, वो हमने यूज करी और आंसर आ गया, राइट। अब हम ये क्वेश्चन करना चाहते हैं कि फाइंड सम ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस। इसको सॉल्व करने के लिए आपको 2 को उधर लेके जाना पड़ेगा, उसके बाद ही सिंपलीफाई हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है जो मैं करना चाह रहा हूं वो है सेकंड क्वेश्चन, log 9 minus 2 raised to the power x base 2 is equal to 3 minus x। इसमें हमेशा याद रखें जो भी आपका आंसर आएगा उसके लिए नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ऑलवेज कीप इन माइंड। लॉगरिथम का डोमेन है, यहां नेगेटिव आ गया, x की कोई ऐसी वैल्यू आ गई उसे रिजेक्ट करना है। तो हम अब सिंपलीफाई करेंगे, log की डेफिनेशन लगाई, ये बनेगा 9 minus 2 raised to power x is equal to 2 raised to the power 3 minus x। 2 raised to power 3 minus x होता है 2 raised to the power 3 upon 2 raised to the power x, घबराना नहीं है। इस 2 raised to power x को आप इधर लेकर आ सकते हो, तो बनेगा 9 into 2 raised to power x minus 2 raised to the power x का whole square is equal to 8। इसको जब उधर लेकर जाएंगे और 2 raised to power x को एक बार के लिए t put कर दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो ये बनेगा t square minus 9t plus 8 is equal to 0। यहां से t की वैल्यू आएगी 1 and 9, 1 and 8, 2 raised to the power x is equal to 1, x की वैल्यू आएगी 0 and 3। जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो भी पॉजिटिव है, 3 पे भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों इंडिविजुअल वैल्यूज आ गई। अगर आपको इनका सम चाहिए तो इनका सम भी कितना आएगा, इनका सम भी 3 आएगा। तो ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन था बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी पे। अब मैं नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी करवाने जा रहा हूं, वो है 7th या 8th जो भी नंबर होगा वो प्रॉपर्टी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो लॉगरिथम पे बेस्ड है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। मैं इस बात पे एम्फेसिस कर रहा हूं कि आप इन प्रॉपर्टीज को लगा पाए।
डिफिकल्ट क्वेश्चन जब आप इन प्रॉपर्टीज को लगा पाएंगे तभी हो पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम यहां से। हम इन सारे क्वेश्चंस में एक लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद एक टॉपिक आएगा लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस यानी इक्वालिटीज भी। अभी मैं सिर्फ लॉगरिथमिक इक्वेशंस को सॉल्व करने की बात कर रहा हूं। तो जैसे हमारे पास यहां पे है log to the base 4, log to the base 3, log to the base x to the base 2 is equal to 6। इसका मतलब एक लॉगरिथम ये है, एक ये है और ये सबसे बाहर है। जब इस टाइप का क्वेश्चन हो जिसमें लॉग के अंदर लॉग आ रहा हो तो हम एक एक लॉग को बाय डेफिनेशन हटाना शुरू करेंगे। अगर मैं इसको हटाने की कोशिश करूंगा तो ये 4 उधर चला जाएगा, तो मेरे पास बचेगा log 3 log x base 2 is equal to 4 raised to the power 6। 4 raised to the power 6 is same as 2 raised to the power 12। इसकी कुछ वैल्यू आ जाएगी, मेरे हिसाब से वैल्यू आएगी 4096, ठीक है। 2 raised to the power 10 is 1024, इसके बाद 4096। एनीवेज फिर हम इसको हटाएंगे तो ये भी सेम उधर चला जाएगा, तो ये बनेगा log x to the base 2 is equal to 3 raised to the power 2 raised to the power 12। और लास्ट में जब आंसर आएगा वो आएगा x is equal to 2 raised to the power 3 2 raised to the power 12। तो ये आपका आंसर आएगा। याद रहे आप इन पावर्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, तो दिस इज द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। जब ये वैल्यू आप उठा के यहां रखोगे तो यहां 2 की पावर में ये सारा जाएगा, तो log 2 base 2 कट जाएगा, ये 3 की पावर वाला सारा यहां आएगा, उससे ये क्वेश्चन सॉल्व होएगा। एक सिंपल क्वेश्चन था जिसमें हमने आउटर वाले log को हटाना शुरू किया और हम आगे बढ़ सकते हैं। यही काम मैं यहां करूंगा फोर्थ क्वेश्चन में भी। फोर्थ क्वेश्चन में पहले कर रहा हूं बिकॉज उस वो डिफिकल्टी लेवल में भी सेकेंड नंबर पे ही आना था। log 2 the base 3 5 plus 4 log x minus 1 to the base 3 is equal to 2। इसमें आपको दो बातों का ध्यान रखना है। एक बात ये ध्यान रखनी है कि जो लॉगरिथम के अंदर नंबर रहता है that should be greater than 0। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये पूरा नंबर greater than 0 आए। 5 plus 4 log x minus 1 to the base 3 ये भी 0 से बड़ा है। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। मैं इनको सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं जो फाइनल आंसर आएगा उसको यहां पुट करके देख लूंगा, अगर वैल्यू हमारी सेटिस्फाई करेगी की बात करता हूं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। तो आउटर लॉग को हटाना शुरू करते हैं, ये लॉग उधर हट के जाएगा तो आएगा 5 plus 4 log x minus 1 to the base 3 3 raised to the power 2 is 9। जब आप 5 यहां ट्रांसफर करेंगे तो आएगा 4 log 3x minus 1, यहां पे 4 आ जाएगा, 4 से 4 आपने कैंसिल कर दिया 1, जब 3 हटाएंगे तो x minus 1 is equal to 3, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं 4 यहां डाल के देखूं तो इसे भी सेटिस्फाई करेगी और इसको भी सेटिस्फाई करेगी, तो x equal to 4 is the answer। लॉजिक वही, आउटर लॉग को हटाना शुरू किया, ये 3 वहां जाके बेस बनेगा, 2 उसका पावर बनेगा और आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आ रहा हूं अगले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि twice of log 4 4 minus x is equal to 4 minus log base 2 minus 2 minus x। जैसे मैंने आपको दो बातें पहले बोली कि लॉगरिथम का डोमेन सेटिस्फाई होना चाहिए, 4 minus x should be greater than 0, minus 2 minus x should be greater than 0। तो यहां पे आपके पास आ जाएगा x 4 से कम है और यहां पे आ जाएगा minus 2 से भी कम है, कुल मिला के minus 2 से कम है। अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब इन दोनों में जो भी आंसर आएगा वो माइनस टू से छोटा होना चाहिए। अगर आप यहां देखें यहां बेस टू चल रहा है और अगर आप यहां देखें बेस फोर चल रहा है, तो इस फोर वाले बेस को टू में बदल लेते हैं तो वो बड़ा आसान है। इसको आप टू रेस्ट टू पावर टू लिख सकते हो जो यहां पे आके इस टू से कट जाएगी, तो आपके पास आएगा लॉग फोर माइनस एक्स टू द बेस टू, ये जब इधर आएगा तो प्लस का बन जाएगा, लॉग माइनस टू माइनस एक्स टू द बेस टू इज इक्वल टू फोर। अब ये लॉग ए प्लस लॉग बी इज लॉग ए बी, अगर आप इसको लॉग ए बी लिखेंगे तो ये बनेगा एक्स माइनस फोर इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू फोर। इसको सिंप्लीफाई करें ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स माइनस एट इज इक्वल टू सिक्सटीन, टू रेस टू द पावर फोर। ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस
माइनस टू एक्स बनेगा, सॉरी माइनस टू एक्स माइनस 24 इक्वल टू जीरो। इससे दो आंसर आएंगे, एक आएगा माइनस सिक्स और एक आएगा फोर, एक आएगा प्लस का सिक्स, एक आएगा माइनस का फोर। ओके, अब आप देख सकते हैं कि इनमें से जो सिक्स है वो रिजेक्ट हो जाएगा और माइनस फोर आपका आंसर रहेगा। तो इसका एक ही आंसर है, वो है माइनस फोर। एक बार नजर डाल लें कि सिक्स क्यों रिजेक्ट हुआ। सिक्स इसलिए रिजेक्ट होगा क्योंकि यहां पे सिक्स डालेंगे तो नेगेटिव आएगा, ये भी नेगेटिव आएगा। कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि सिक्स आया है क्यों जब ये आना ही नहीं चाहिए था। सिक्स इसलिए आया क्योंकि यहां पे आपने दो नेगेटिव क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया, तो इस इक्वेशन को ये नहीं पता चल रहा कि वो इंडिविजुअल सेटिस्फाइड थे या नहीं थे, इसलिए सिक्स आया। कि सिक्स पे दोनों नेगेटिव बन रहे थे, इनका प्रोडक्ट तो पॉजिटिव बन रहा है, इस इक्वेशन का ये सोल्यूशन सही है, लेकिन इन दोनों इक्वेशन का इंडिविजुअल सोल्यूशन नहीं, इसलिए हमें इसे रिजेक्ट करना पड़ेगा, माइनस फोर इसका आंसर। अब हम लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि कुछ इस तरीके का है। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिसमें बच्चे थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसमें, आप देखिएगा कैसे ट्राई करते हैं इसको। ये क्वेश्चन है कि x की पावर में log x plus 5 to the base 3 है, 10 5 plus log x। पहली चीज यहां जो सीखनी है, यहां पे कोई बेस नहीं दिया हुआ। एलजेब्रा में जब लॉग में कोई बेस ना दिया हो उस बेस को हम 10 मानते हैं, तो 10 हम इस तरीके से लिख लेते हैं, राइट। अब यहां पे एक वेरिएबल की पावर में ये नंबर है, यहां पे कांस्टेंट की पावर में ये नंबर है, तो हम इस क्वेश्चन को करने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे। वी विल टेक लॉग टू द बेस 10 बोथ साइड्स। आपको भी समझ में आ जाएगा ये क्यों ऐसा कर रहे हैं। जब आप लॉग टू द बेस 10 दोनों साइड लेंगे, इस पूरी चीज को हम लॉग का नंबर मानेंगे, इस पूरी चीज को लॉग का नंबर मानेंगे, तो ये आ जाएगा लॉग x टू द बेस लॉग x प्लस 5 बाय 3, यहां बेस 10, ये बनेगा लॉग 10 बेस 10 5 प्लस लॉग x टू द बेस 10। बेस 10 की जगह हम कोई और बेस भी ले सकते थे, बस बेस 10 इसलिए लिया क्योंकि इस पूरे क्वेश्चन में बेस 10 चल रहा है और यहां पे भी 10 है, ये 1 बन जाएगा, ये चीज आगे आ जाएगी, ये भी आगे आ जाएगा, आपके पास बनेगा log x plus 5 upon में 3 into log x, मैं base 10 हटा रहा हूं हर जगह से, ये बनेगा log x plus 5, log 10 base 10 1 ही होगा तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। गलती यहां पे बच्चे ये करते हैं कि इसको इससे काट देते हैं, जैसे आप इसको इससे काटोगे तो आपका एक आंसर चला जाएगा, आपको कभी भी इनइक्वालिटी या इक्वालिटी में कैंसिलेशन नहीं करना है, आपको उसको इस तरफ लेके आना है, उसको हमने कॉमन लिया और आपके पास बनेगा log x minus 3 upon में 3 is equal to 0। एक आंसर यहां से आएगा आपका, log x plus 5 is equal to 0 will give me x is equal to 10 raised to the power minus 5, यहां से मेरे पास आएगा x is equal to 10 raised to the power 3। तो जब आपके पास वेरिएबल की पावर में वेरिएबल हो तो आपको दोनों साइड log लेना है, लॉग की क्या बेस रखनी है वो क्वेश्चन ही बताएगा। दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस जिनको हम लॉग की तरीके से कर सकते हैं।